15 अगस्त को रिलीज हुई स्त्री 2 बॉक्स ऑफिस पर बवाल काटे हुए है। पिक्चर ने भारत में 8 दिन में 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर डाली है। फिल्म के हिट होते ही इसकी सफलता का क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है। ये जंग चल रही है इंटरनेट पर एक्टर्स श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की पीआर टीमों के बीच, मगर असल में स्त्री 2 किसकी फिल्म है, फिल्म की सफलता के पीछे किसका हाथ है और इसका क्रेडिट किसे मिलना चाहिए, इन सभी सवालों के जवाब खुद फिल्म के डायरेक्टर अमर कौशिक ने दिए हैं। अमर कौशिक ने दो एक्टर्स की पीआर टीम के बीच चल रही क्रेडिट की जंग के विषय में इंडियन एक्सप्रेस से बात की है। इसमें उनसे फिल्म की कमाई, क्रिटिक्स की राय और दर्शकों से मिल रही प्रतिक्रिया पर सवाल पूछे गए। जवाब में अमर ने कहा, मैं सच में बहुत खुश हूँ। मुझे खुशी है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है। मेरे दिमाग में हमेशा ये बात रहती थी कि मैं जब भी फिल्म बनाऊँ तो नंबर अचानक नहीं आने चाहिए। स्त्री 2 के लिए मैं ये नहीं चाहता था कि लोग ये फिल्म इसलिए देखने जाएं क्योंकि उन्हें पहला पार्ट बहुत पसंद आया था। मेरे लिए ये महत्वपूर्ण था कि लोगों को ये फिल्म पसंद आए। अमर ने इस बातचीत में आगे बताया, मुझे कुछ काम था इसलिए मैं लंदन आया हुआ हूँ। मैं ये नहीं चाहता था कि सफलता मेरे सिर पर चढ़ जाए क्योंकि मुझे बहुत काम करना है। मुझे काम करते हुए केवल 6 साल ही हुए हैं, ये तो बस शुरुआत है। मैं इस सफलता का जश्न सिर्फ 1 महीने तक मनाना चाहता हूँ, फिर अपनी अगली फिल्म पर काम शुरू करना चाहता हूँ, जैसे कि ये मेरी पहली फिल्म है। अमर ने फिल्म स्त्री 2 की सफलता का क्रेडिट अपने जीवन की सभी महिलाओं और महिला दर्शकों को दिया। उन्होंने कहा, ये फिल्म वुमेन पावर से जुड़ी हुई है। लंदन आने से पहले मैं हर दिन फिल्म देखने जा रहा था ताकि सिनेमाघरों में दर्शकों का रिएक्शन देख सकूं। मैं पीछे खड़ा होकर देखता था। फिल्म देखते हुए मुझे सिर्फ महिलाओं के हंसने की आवाज़ें आती थी। पुरुषों को भी फिल्म देखने में मज़ा आ रहा था लेकिन महिलाओं को ज़्यादा मज़ा आ रहा था। जिस तरह महिलाएं फिल्म को प्यार दे रही हैं और दिल खोलकर हंस रही हैं, मुझे लगता है कि यही फिल्म की असली जीत है। स्त्री 2 की कमाई पर अमर का कहना है, बॉक्स ऑफिस इस बिजनेस और सिनेमा का एक अभिन्न हिस्सा है। आज हमारी फिल्म है, कल कोई और फिल्म होगी। मुझे सच में इस बात की खुशी है कि लोगों को ये फिल्म पसंद आ रही है और लोग इसे देखने के लिए सिनेमाघरों में जा रहे हैं। मैं अपनी फिल्मों के लिए इसी तरह का रिएक्शन चाहता हूँ। कुछ साल पहले तक मैं भी दर्शक ही था। इंटरनेट पर बहस चल रही है कि स्त्री 2 राजकुमार की फिल्म है या फिर श्रद्धा कपूर की। इसे श्रद्धा के फैंस फीमेल सेंट्रिक फिल्म कह रहे हैं। इस बहस पर अमर ने कहा, मैं इसे महिला प्रधान फिल्म नहीं कहूंगा क्योंकि ये उससे कई बढ़कर है। फिल्म में महिला किरदार ज्यादा दमदार है। हमारी फिल्म में एक महिला पुरुषों को बचा रही है। इंटरवल के करीब जब एक गाना आता है उसमें एक महिला लड़कों को छुपने का इशारा करती है। वो चूड़ी की दुकान के पीछे छुप जाते हैं। इसलिए मैं ये कहूँगा कि ये फिल्म न फीमेल सेंट्रिक है और न ही मेल सेंट्रिक। मेरी फिल्मों में कोशिश रहती है कि फीमेल कैरेक्टर पुरुषों द्वारा निभाए गए पात्रों से ज़्यादा दमदार हों, चाहे वो बाला, स्त्री, भेड़िया या फिर अभी आई स्त्री 2 हो। स्त्री 2 का स्टार कौन है? अगर आप हमारा पोस्टर देखेंगे तो सामने 3 लड़के, पीछे पंकज त्रिपाठी और श्रद्धा हैं। ये 5ों ही इस फिल्म के स्टार हैं। इनके किरदार ही फिल्म को बनाते हैं। बाकी लोग आएंगे और जाएंगे लेकिन ये 5 हमारी फिल्म की आत्मा होंगे। फिर हमारे टेक्नीशियन, उन्होंने फिल्म को अपना 100% दिया है। फिल्म से जुड़ा एक हर व्यक्ति स्टार है क्योंकि उनमें से हर एक ने फिल्म के लिए अपना सब कुछ दिया है। एक भी व्यक्ति के बिना फिल्म वैसी नहीं बन पाती जैसी बनी है। अमर जिन 3 लड़कों की बात कर रहे हैं वो हैं राजकुमार राव, अपार शक्ति खुराना और अभिषेक बनर्जी। हम उम्मीद करते हैं कि अमर के इस बयान से ये साफ हो गया है कि स्त्री 2 किन की बदौलत सफल हुई। खैर, स्त्री 2 ने 8 दिनों में देशभर से 307.80 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। वहीं फिल्म का ग्रॉस वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 400 करोड़ रुपए के पार हो चुका है। मेकर्स ने स्त्री 2 की सफलता के बाद इस फ्रेंचाइज की 3री किश्त पर भी काम शुरू कर दिया है। मेकर्स का कहना है कि उन्हें आइडिया है कि इस फ्रेंचाइज को आगे कैसे लेके जाना है। स्त्री 3 श्रद्धा कपूर के किरदार का स्पिन ऑफ फिल्म हो सकती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी मेरे साथी शशांक ने। मैं हूँ मनीषा और सिनेमा से जुड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।